क्वेश्चन नंबर थ्री, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर ए ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप? सपोज यहाँ अब्दुल का होम था, और यहाँ अब्दुल का स्कूल था, ठीक है। जब अब्दुल अपने स्कूल जा रहा था तब तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक है। जब रिटर्न आ रहा था, सेम रूट ही उसने फॉलो किया, जब रिटर्न आ रहा था तब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, थोड़ा ट्रैफिक कम रहा होगा। अब आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या होगी अब्दुल की, ठीक है। चलिए पहले इसको देखते हैं, फिर जो है इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम क्लियर करेंगे कि क्या एवरेज स्पीड थी। लेट द डिस्टेंस ऑफ अब्दुल स्कूल इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर। सपोज ये जो अब्दुल का होम से स्कूल की डिस्टेंस थी, ये हमने मान लिया एक्स किलोमीटर थी, ओके। डिस्टेंस आपको मिल गई। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग ऑनवर्ड जर्नी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपको दिया हुआ है जाते समय क्या थी, 20 किलोमीटर पर आर की, ठीक है। डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड पता चल गया, अब आपको टाइम निकालना है। सबसे पहले टाइम निकालना है कि उसको जाते समय कितना टाइम लगा होगा। टाइम टेकन T1 जाते समय है, दोनों टाइम निकालेंगे जाते समय और आते समय, इसलिए हम इस टाइम को T1 लिख दे रहे हैं, ओके। T1 क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको पता है फॉर्मूला, डिस्टेंस कितनी थी x, स्पीड कितनी थी 20, ओके। अब 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड थी तो टाइम कितना लगा इसको, x डिवाइड बाय 20 आर, ठीक है। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग बैकवर्ड जर्नी है, अब वापस जब आ रहा था तब उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, 30 किलोमीटर पर आर की। टाइम टेकन वापसी में कितना टाइम लगा होगा, T2 देख लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस फिक्स ही है, जाते समय जो थी 1 किलोमीटर, आते समय भी वही है, तो x डिवाइड बाई 30 हो गया, ओके। अब जाने का समय x बाई 20 आर लगा उसको, और आने के समय x बाई 30 आर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपको पता चल गया, और टोटल टाइम, जब डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो आपको एवरेज स्पीड टोटल पता चल जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आने और जाने में, 2x किलोमीटर, क्यों? क्योंकि x किलोमीटर था उसकी डिस्टेंस, तो जाने में x, आने में x, 2x किलोमीटर हो गया। टोटल टाइम टेकन कितना है, जाते समय टाइम जो लगा T1 और आते समय जो टाइम लगा T2, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इनको ऐड कैसे करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। 60 हुआ, 3x प्लस 2x डिवाइड बाय 60, 5x बाय 60, x बाय 12, ये टोटल टाइम लगा और ये टोटल डिस्टेंस है। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या थी, 2x डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, एक्स बाई 12। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम, 2x मल्टीप्लाई बाई कर देंगे तो एक्स बाई 12 क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहां से एक्स एक्स कट गए, ओके। अब आपका क्या आएगा आंसर, 24, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 24 किलोमीटर पर। तो अब्दुल की एवरेज ट्रिप, सॉरी इस पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या हुई, 24 किलोमीटर पर आवर। ऐसी गलती मत कर दीजिएगा कि 20 किलोमीटर पर आवर जाने की स्पीड है और 30 किलोमीटर पर आवर वापसी की स्पीड है, ऐसा कोई कहीं मत कर दीजिएगा कि दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ऐसा कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे में 20 किलोमीटर पर आवर आ रहा है ना, क्यों गलत आ जाएगा, क्योंकि टाइम टेकन अलग अलग है। जाते समय टाइम ज्यादा कम लग रहा है, सॉरी ज्यादा लग रहा था क्योंकि स्पीड कम थी, वापसी में टाइम ज्यादा लग रहा था, ठीक है ना। डिस्टेंस सेम थी, जब दोनों का टाइम आप निकाल लेंगे, डिस्टेंस आपको पता है, तभी आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे, ओके।